चले स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डेसिमल की ही मल्टीप्लिकेशन है, बट दिस टाइम जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों तरफ डेसिमल है, लेकिन बहुत इजी है। बिल्कुल वैसे ही हम डेसिमल को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करने वाले हैं और फिर हम बाद में डेसिमल के प्लेसेस काउंट करके अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2.5 एंड 0.3, हम इसे क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि 25 है और ये 3 है। 25 थ्री का कितना होता है? 75 होता है ना। और हमें डेसिमल कहाँ लगानी है? डेसिमल लगानी है 1 place + 1 place, यानी 2 places हो गए। अब हमें 1, 2 यहाँ डेसिमल लगानी है। तो आगे यूनिट्स के प्लेस को पूरा करने के लिए मैंने 0 मेंशन कर दिया, तो बन गया 0.75। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब 01 एंड 51.7 को मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ईजी है। 01 का मतलब क्या हुआ? ओनली 1 हुआ। 517, यानी 517 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा? 517 ही आएगा। अब दिक्कत है कि हमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल का प्लेस कितना हो गया? 1 place यहाँ पर है, 1 place यहाँ, तो हमारे पास हो गए 2 places, 1, 2। सो वी कैन पुट डेसिमल हियर 5.17। ऐसे हम यहाँ भी आते हैं, है ना। अब देखिए 0.2 एंड 316.8 को मल्टीप्लाई करना है, तो किसको मल्टीप्लाई करना है? 02 और 3168 को, यानी हम सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3168 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करें? राइट, अब लगानी है डेसिमल। डेसिमल कहाँ आएगी? डेसिमल का एक डिजिट प्लस 1 more digit, तो हमारे पास 2 place हो गए, 1, 2। डेसिमल आ जाएगी 63.36 के बाद, है ना, 36 से जस्ट पहले। ऐसे 13 और 31 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बिना डेसिमल के ये बना 13 और ये बना 31, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ ऐसा, है ना। अब डेसिमल लगा देते हैं 1 place and 2 place, तो ये आ गया 4.23। ऐसी नेक्स्ट में भी 05 और 005, मतलब क्या हुआ? सिर्फ 5 और 5 ही हुआ ना, ये कितना हो गया? ये बना 05 और ये कितना बना? 005, यानी कि हमें सिर्फ 5 और 5 को ही तो मल्टीप्लाई करना है, यानी आया 25। अब इस 25 में डेसिमल कहाँ आएगी? देखिए 1, 2 यहाँ पर है, 2 places और 1 place यहाँ है, यानी हमारे पास हो गए टोटल 3 places। तो कैसे प्लेस करेंगे डेसिमल? 1, 2, 3 तो है ही नहीं, खाली है जगह, तो हम 0 लगा के पूरी कर देंगे। ठीक है, 0 लगा के पूरी करने का मतलब, अब देखिए हमारे पास 3 places थे ना, 2 और 1, 3, तो यहाँ पर हो गए हमारे 1, 2, 3, 3 places पूरे हो गए एंड वी आर डन। ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। मल्टीप्लाई किस 2 numbers को करना है? यहाँ पर हमें सिर्फ 112 को मल्टीप्लाई करना है 015 से, यानी कि सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। कुछ ऐसा, अब लगाते हैं डेसिमल। डेसिमल कहाँ आनी चाहिए? डेसिमल के लिए 1, 2 and 3, तो 3 places हैं, 1, 2, 3। अब हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल 1.680। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, यहाँ पे किन किन की मल्टीप्लाई है? सिर्फ 107 की, एंड 0.02 का मतलब क्या हुआ? 002, इग्नोर कर देंगे 0, है ना, तो 2 और 107 को मल्टीप्लाई किया, कुछ इतना आया आंसर। अब लगाते हैं डेसिमल, कितने प्लेसेस हैं? 2 and 2, सो वी हैव नाउ 4 places, 1, 2, 3, 3 तो है, 4th कहाँ से लाएँ? नहीं है तो 0 लगा दीजिए, 0.0214 हो जाएगा, राइट। ऐसे हम 1005 और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं ये दोनों मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि वी नीड सम मोर स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को कैसे करें? इन क्वेश्चन को करने का तरीका है, इतने बड़े नंबर में से डेसिमल इग्नोर करके सिर्फ हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखें कैसे, ओके, मैं ये क्वेश्चन दोबारा से करती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डन, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें हम, तो
101.01 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0.01। तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम मान लेंगे कि 10101 है, हम सबसे पहले डेसिमल को इग्नोर कर देंगे एंड 0.01 हो गया 001, यानी कि ये पूरा नंबर सिर्फ 1 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, राइट? 0 आगे है तो हैज़ नो मीनिंग। तो इसका आंसर आया 10101। अब बारी है डेसिमल की, जिसको हमने शुरू में इग्नोर कर दिया था, लेकिन प्लेस तो करना ही है ना। कितने प्लेस हुए, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हो गए, 1 2 3 4, यानी यहाँ लगेगी, है ना। 2 प्लेसेस 2 प्लेसेस, 4 प्लेसेस हो गए एंड वी आर डन। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। फिर आते हैं 10th क्वेश्चन पर। टेंथ क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करें, 100.01 एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट ऑन योर ओन। अपने आप करके देखिए इसकी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डेसिमल खुद प्लेस करके देखिए, अब तो आपको आता है ना। तो हम यहाँ पर फिर से वही करने वाले हैं, हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10001 और ये बन जाएगा ओनली 11। मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इतना नंबर आएगा। अब बारी है डेसिमल की। तो कितने प्लेस है डेसिमल के, 2 प्लेसेस यहाँ, 1 प्लेस यहाँ, तो टोटल प्लेस हो गए 3। अब डेसिमल प्लेस कहाँ होगा, 1 2 3, यानी यहाँ पर। तो ये आपका बन गया 110.011, है ना, 110.011। अब बारी है हमारे 8th क्वेश्चन की। आर वी डन? 8th क्वेश्चन कैसे होगा, 8th क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10.05 है जिसे मल्टीप्लाई करना है 1.05 से। तो क्या करें, ये नंबर मान लेंगे कि 1005 है और ये नंबर मान लेंगे कि 105 है। अब कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कैसे आएगा ये मल्टीप्लाई, हम रफ वर्क में अलग से कर लेते हैं, ये सिर्फ आप रफ वर्क में ही करेंगे। आपके पास आया कुछ बड़ा सा नंबर 105525, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 105525। अब बारी है डेसिमल लगाने की। तो डेसिमल कैसे लगाएं, डेसिमल लगाने के लिए 2 प्लेसेस यहाँ, 2 प्लेसेस यहाँ, 4 प्लेसेस, 1 2 3 4 यहाँ, ठीक है। और जहाँ पर आपने इग्नोर किया था ना, इसे हम इक्वल में नहीं रखेंगे, मतलब ये वाला काम भी हमें रफ वर्क में ही करना है, ये हम क्वेश्चन में सामने नहीं करेंगे। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे सामने लिखा है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके, अज्यूम कर सके कि बिना डेसिमल के नंबर कैसे दिखते हैं और मल्टीप्लाई हमें किसको किससे करना है, एंड दैट इज़ इट। और जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हमें डेसिमल प्लेस करना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नहीं करेंगे, दोनों के डेसिमल प्लेस काउंट नहीं करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।